नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज वुमेन्स का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, जो मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में खेला गया, क्योंकि यहां से टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह तय होने वाली थी। लेकिन आपको बता दें, टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है और टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से 3 विकेट से इस मुकाबले को हार चुकी है। तो कैसे ये मुकाबला रहा, बेहद ही रोमांचक, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में हार गई है। जी हाँ, आपको बता दें, देखने को मिला है कि आज जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, जहां टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना ने बेहद ही शानदार 84 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली थी। अपनी पारी में इन्होंने 6 चौकों के साथ साथ एक छक्का भी जड़ा था, तो वहीं सैफ अली वर्मा ने 53 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी, लेकिन सैफ अली वर्मा आज रन आउट हो गई थी। इसके अलावा देखने को मिला कि आज यास्तिका भाटिया सिर्फ 2 रन बनाकर ही आउट हो गए, तो वहीं मिताली ने आज 68 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली थी। और इसके अलावा देखने को मिला, हरमनप्रीत कौर ने भी बहुत ही शानदार 48 रनों की पारी खेली। हालांकि अंत में किसी भी बैट्समैन ने ज्यादा कुछ खास किया नहीं, फिर वो चाहे पूजा वस्त्राकर हो, ऋचा घोष या फिर स्नेहा राणा या फिर दीप्ति शर्मा, किसी ने भी ज्यादा कुछ खास किया नहीं। लेकिन फिर भी भारत सम्मानजनक और बेहद ही शानदार टारगेट तक पहुंच गया था। भारतीय टीम ने 274 रन बनाया था, इसके लिए भारत के 7 विकेट गिरे थे। बात करें अगर अफ्रीका के गेंदबाजों की, तो जी हाँ, इस्माइल ने आज 2 विकेट निकाले, जबकि देखने को मिला कि मासावाटा क्लास ने भी 2 विकेट निकाला। और इसके अलावा आया बोंगा खाका को एक सफलता मिली, इसके अलावा ट्रायन को भी एक सफलता मिली थी, बाकी सभी गेंदबाज नाकाम रहे। अगर बात करें कि साउथ अफ्रीका की टीम ने किस तरह से टारगेट का पीछा किया, तो जी हाँ, शुरुआत बेशक से बेकार रही, क्योंकि देखने को मिला कि लिजेले ली बहुत ही जल्द 6 रन बनाकर ही रन आउट हो गई। लेकिन इसके बाद देखने को मिला कि लॉरा वोलवार्दत ने 80 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली। इसके अलावा लारा गुडॉल ने भी 49 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली। इसके बाद देखने को मिला कि सुनील लोस आई थी और ये सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन मिग्नॉन डुप्रीज ने भी 52 रनों की शानदार पारी खेली और ये अंत तक टिकी रही और इन्होंने टीम को जिताया भी है अपनी। इसके अलावा मारी जाने काप ने 32 रनों की पारी खेली, स्लोए ट्रायन ने 17 रनों की पारी खेली और इसके बाद सबमिन इस्माइल अंत तक टिकी रही और 2 गेंदों पर इन्होंने 2 रनों की पारी खेली। तो कुल मिलाकर के देखने को मिला है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने अंतिम गेंद पर बिल्कुल इस मुकाबले को जीता है। आपको बता दें, अंतिम ओवरों में इस मैच का रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जब देखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ 2 बॉल पर 3 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए था, लेकिन दीप्ति शर्मा ने उसी वक्त वहां पर एक 9 बॉल फेंक दिया, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त रन तो मिला ही साउथ अफ्रीका को, इसके अलावा उनको फ्री हिट भी मिली और एक अतिरिक्त गेंद भी मिली और इसका साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से फायदा उठाया। और जो मैच एक समय लग रहा था कि भारत बहुत आसानी से जीत जाएगा, उस मैच को अंतिम की 3 गेंदों पर ही भारत हार गया है। तो इस तरह से टीम इंडिया इस मैच को गंवा चुकी है और टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें यहीं से खत्म होती हैं। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हुआ। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।